नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। अभी हम हिलसा नगर परिषद के रैन बसेरा में, जहां पेंटिंग का काम चल रहा है, और हमारे पास अभी हैं दीप लक्ष्मी जी। आप बताइए इसके बारे में। मेरा नाम दीप लक्ष्मी है, मैं हिलसा की रहने वाली हूं, लेकिन मैंने पढ़ाई किया जैसे बैचलर पटना कॉलेज से की, मास्टर कर रही हूँ अभी और इसी फील्ड से। और मैंने ना यहाँ पे रैन बसेरा में पहले मैम से बात किया काम के लिए, तो मैम मेरा पेंटिंग देखकर खुश हुई और मुझे पेंटिंग के लिए दी और मैं इसे सजा रही हूँ। और मेरा काम चला था पूर्णिया में, जहाँ पे नीतीश कुमार जी आए हुए थे, और यहाँ समस्तीपुर ताजपुर में चला था, समस्तीपुर में चला था, गया में चला है, वहाँ पे भी नीतीश कुमार जी आए हुए थे। सारे जगह पे मैंने काम किया है। मेरे साथ दो लोग और काम करते हैं, मेरे पार्टनर हैं, एक का नाम आडवाणी है, दूसरे का नाम अमर शक्ति सिंह है। और प्रियंका मैम इस पेंटिंग को कंप्लीट अभी मैं की हूँ, कुछ पेंटिंग अंदर वाले मैम आई थी देखने के लिए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और जैसे जनता को पता कितने नहीं। लोग की टीम है आपकी अभी? मेरे पास ना अभी 400 लोग की टीम है, लेकिन यहाँ पे 14 लोग काम किए हैं हिलसा नगर परिषद में। हाँ, हिलसा नगर रैन बसेरा में 14 लोग काम किए हैं, बाकी अभी काम कर रहे समस्तीपुर में काम चल रहा है। और बेटियाँ, आपको कितना गर्वान्वित लग रहा है आप हिलसा की बेटी हैं और हिलसा में काम इस तरह का मिला? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हिलसा की बेटी हूँ और मुझे हिलसा में कुछ करने का मौका मिला। मैं तो हर जगह तो कर ही रही थी, हर जगह अपना नाम बना ही रही थी, लेकिन हिलसा में नाम बनाने का जब मौका मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना इतिहास कुछ आर्ट फील्ड भी कुछ अच्छा चीज़ है। सब लोगों को लगता है नहीं, आर्ट फील्ड अच्छा नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, इसमें ये इसमें ज़िंदगी बर्बाद होता है बच्चों लोगों का, ऐसा। इसे आर्ट से पैसे भी आते हैं? जी हाँ, बहुत आते हैं। जैसे ये भी काम की हूँ मैं, इसका मुझे कॉस्ट मिल रहा है। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली पेंटिंग करने का? जब मैं छोटी थी तो किसी पेपर से या फिर बुक में कोई भी कार्टून वगैरह देख के बनाया करती थी कॉपी में, तो मेरी मदर देखी, लेकिन यहाँ पे कोई वैसा नहीं था जगह, संस्था नहीं था, लेकिन मानव सर यहाँ पे कैंप चलाया करते थे, ये समर कैंप, वहाँ पे अपने समर कैंप पे मुझे एडमिशन का मौका दिया, मैं वहाँ पे सीखी। वहाँ पे सीखते सीखते मुझे और भी अच्छा लगने लगा, सीखने का मौका मिला। फिर धीरे धीरे मैं ऐसे करते करते इंटर पास करके मैं इंट्रेंस का एग्ज़ाम देकर पास की। उसके बाद मेरा एडमिशन आर्ट कॉलेज में हुआ, पटना आर्ट कॉलेज में। फिर उसके बाद मैं इसी फील्ड से पीजी कर रही हूँ, मास्टर कर रही हूँ। आगामी 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनने वाला, उसमें भी आपको हिलसा नगर परिषद स्लोगन बनाने का मुझे है काम, जैसे थाना के बाउंड्री वॉल पे, नगर परिषद के बाउंड्री वॉल, रामबाबू हाई स्कूल है उसके बाउंड्री वॉल के बाहर, ऐसे जगह पे जहाँ पे मैसेज बात पहुँच सके, लोग उसे देख कर कुछ समझ सके, बस वैसे ऐसी जगह पर मुझे स्लोगन बना लिखने के लिए बोला गया है। इस चैनल के माध्यम से हिलसा वासियों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप हिलसा की बेटी भी हैं? इस चैनल के माध्यम से मैं हिलसा को ये संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि हिलसा में लोग ना, अगर पेंटिंग बना है तो इस पेंटिंग को मैं चाहती हूँ कि वो लोग संवार के रखें, खूबसूरत बना के रखें इस जगह को, और स्वच्छता बनाए रखें। जैसे कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं भी खाते कुछ भी फेंक देते हैं, नहीं एक प्रॉपर डस्टबिन में डाले, और जैसे प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा करते हैं वो प्लास्टिक का यूज़ ना करें, कहीं जाना हो ये सब्जी लाने जाते हैं तो एक कपड़े से बना हुआ बैग का यूज करें, क्योंकि ना इसी से गंदगी फैलता है, पॉलीथीन जल्दी गलता नहीं है, और मिट्टी में पॉल्यूशन फैलाता है, वातावरण से भी पॉल्यूशन होता है, जो भी जलाना रहता है तो प्लास्टिक जला देते हैं, इधर उधर कहीं भी कचरा फैला देते हैं। जो आपसे प्रेरणा लेकर पेंटिंग सीखना चाहते हैं वो क्या करें? जो सीखना चाहते हैं हमसे तो उनको तो मैं सिखाऊंगी ही, क्योंकि मैं जो कुछ लोग ऐसे हैं लोग मेरे ग्रुप में जिसको बहुत पैसे की ज़रूरत है, मैं उनको ही सहारा देती हूँ,
अपने साथ का नहीं भी कुछ आता है तो उनको मैं अपने साथ रखती हूँ, उसको सिखाती हूँ कि ऐसे करना वैसे करना करो, और उसको सिखाने के बाद प्लस सिखाती है और उसको पेमेंट भी करती हूँ कि उसका कुछ काम चले। किसी बच्चे का है कि मैं पढ़ नहीं सकती या पढ़ नहीं सकता, तो मैं उसको भी कुछ कॉस्ट देती हूँ, सिखाती भी हूँ। वहाँ पे सीखते हैं वो लोग, मेरे साथ काम करते हैं,